हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक घोड़ी को दिखाते हैं जो कि एक नन्हे से शावक को जन्म दे रही है। ये नज़ारा एक लड़का दूर खड़ा होकर देख रहा है। उस लड़के का नाम है एल्बर्ट। एल्बर्ट को उस नन्हे से शावक से प्यार हो जाता है। वो शावक उसी की आंखों के सामने हंसते खेलते बड़ा हो रहा था। एल्बर्ट शावक से दोस्ती करने की बहुत कोशिश करता है पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। अब एल्बर्ट के पापा एक घोड़ा खरीदना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उनकी फसल को उगाने में उनकी हेल्प कर सके, इसलिए वो एक घोड़े के ऑक्शन में जाते हैं। एल्बर्ट के पापा का नाम होता है टेड। वो ऑक्शन में जाते हैं और वहां पर ही उनका ओनर भी आया होता है। दोनों एक ही घोड़े को पसंद करते हैं और ये वही घोड़ा है जिसे एल्बर्ट दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद ओनर उसकी ऊंची बोली लगाता है ताकि वो घोड़ा उसे मिले, लेकिन टेड उससे भी ऊंची बोली लगाता है और सारे पैसे खर्च कर देता है और वो उस घोड़े को लेकर घर पहुंचता है। अब एल्बर्ट की मम्मी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और गुस्सा करती है, लेकिन एल्बर्ट उस घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब एल्बर्ट की मॉम जिसका नाम होता है रोजी, वो उसे वापस करने के लिए कहती है, लेकिन एल्बर्ट रखने के लिए उन्हें मना लेता है। अब उसके बाद एल्बर्ट उस घोड़े से दोस्ती कर लेता है और उसका नाम रखता है जोए। जोए को वो खास तरह की सीटी सिखाता है जिससे जोए बहुत ही जल्दी सीख जाता है और जब भी एल्बर्ट वो सीटी बजाता है तो वो उसके पास आ जाता है। एल्बर्ट जोए से बहुत प्यार करता था और जोए भी अब एल्बर्ट से बहुत प्यार करने लग जाता है। एक दिन टेड का लैंडलॉर्ड उसे अपने पास बुलाता है। ये सब वहां जाते हैं तो वो उससे किराए के पैसे मांगता है। टेड कहता है कि उसके पास अभी कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जल्द उसके पैसे दे देगा। वो थोड़ी मोहलत मांगता है और कहता है कि इस घोड़े के साथ वो अपना खेत जोतने वाला है, जब फसल आएगी तो वो उसके पैसे ब्याज सहित उसे लौटा देगा। अब उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम कर लो ऐसा जैसा तुम्हें करना है, पर वो कहता है कि अगर तुम कामयाब नहीं रहे तो तुम्हारी जमीन और घोड़ा मेरा हो जाएगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। टेड जोए को खेत जोतने के लिए तैयार करता है। उसके बाद जोए एक अड़ियल घोड़ा है और वो उसे धक्का मार देता है, जिससे टेड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक ले आता है जोए को मारने के लिए, लेकिन एल्बर्ट और रोजी उसे रोक देते हैं और वो रुक जाता है। अगले दिन एल्बर्ट खुद आता है उसे तैयार करने के लिए और खेत जोतने के लिए उसे खेत पर ले जाता है। जब वो पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक बंजर जमीन है और वहां पर वो बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते और ये देखकर सब दुखी हो जाते हैं। इस तरह उन्हें देखने के लिए वहां पर पूरा गांव आता है और उन पर हंसी उड़ाता है, उनका मजाक उड़ाता है, हंसने लगता है। एल्बर्ट और जोए बार बार कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कभी कामयाब हो ही नहीं पा रहे थे। जोए की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी, लेकिन अब कुदरत उनका साथ देती है और बारिश हो जाती है। जो कि सख्त मिट्टी थी उनकी बंजर जमीन की, वो अब नरम पड़ गई थी और वो पूरा खेत जोत देते हैं। अब रोजी एल्बर्ट को टेड का मेडल दिखाती है घर जाकर। वहां पर वो दिखाती है कि टेड एक बहादुर इंसान था, बट उसे इस बात पर गर्व नहीं है, लेकिन आज उसे तुम पर गर्व है। फिर टेड जमीन पर बुआई करता है और खेत सुंदर हो जाता है। वो खेत बहुत ही सुंदर लगने लगा था और जोए और एल्बर्ट का रिश्ता भी मजबूत हो गया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन अब उनकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। एक रात बहुत बारिश होती है और सारा खेत खराब हो जाता है। अब उसके पास ना ही पैसे थे और ना ही फसल, तो वो अपने ओनर को क्या देता, इसलिए वहां पर वो अपने घोड़े को बेचने का सोचता है। एल्बर्ट उसे मना करता है। उस टाइम जर्मनी के साथ वॉर छिड़ने की खबरें उड़ रही थी, नौजवानों की भर्ती चल रही थी। कैप्टन को टेड जोए को बेच देता है। एल्बर्ट आता तो है पर बहुत देर हो गई थी। एल्बर्ट कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जोए को ना लेकर जाए, लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानता, तो एल्बर्ट कहता है कि ठीक है, मैं भी भर्ती हो रहा हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन एल्बर्ट की एज कम थी इसलिए कैप्टन उसे नहीं ले जा सकता था। कैप्टन जोए का ख्याल रखने का वादा करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है। एल्बर्ट जोए को एक कपड़ा बांध देता है जो कि टेड के मेडल्स के साथ था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने ज़रूर आऊँगा और हम एक दिन ज़रूर साथ होंगे, वो इस बात का वादा करता है। उसके बाद आर्मी के दूसरे कैप्टन के घोड़े के साथ ही जोए को बांध दिया जाता है। उस कैप्टन को बहुत नाज था कि उसका घोड़ा सबसे अच्छा है। अगले दिन प्रैक्टिस में उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है क्योंकि जोए उस दूसरे घोड़े को हरा देता है। जोए की भी अब उस घोड़े से दोस्ती हो जाती है। अब वो वॉर में पहुंचने वाले हैं और वो अभी फ्रांस में हैं। जर्मन से मुकाबला करने वाले हैं तो उन्हें एक ठिकाने का पता चलता है, वो वहां हमला करने जाने वाले हैं। अब यहां पर कैप्टन जोए को वही कपड़ा बांधता है जो कि उसे एल्बर्ट ने दिया था। फाइनली अगले सीन में जोए जंग के मैदान में अपने कदम रखता है। जर्मन तैयारी के साथ आए थे और वो मशीन गन से फायर करने लगते हैं।
कैप्टन नहीं बच पाता, लेकिन जॉय किसी तरह बच जाता है और वो भागता है, लेकिन जर्मन्स उसे पकड़ लेते हैं। वहां पर वो काला घोड़ा भी था जो कि दूसरे कैप्टन का था और वो जॉय का दोस्त था। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। यही वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत थी, साल 1914 में। वॉर में दुश्मन सैनिकों का जैसा व्यवहार होता था, वैसा ही उनके जानवरों का भी हाल होता था। घायल घोड़ों को वो लोग मार देते हैं और जो थोड़े ठीक थे उनको अपने साथ काम करवाने ले जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी अब दो भाइयों को देते हैं, जिनको वो कपड़ा भी मिलता है जो कि उस जो के पीठ पे बंधा हुआ था। एल्बर्ट को यहाँ गांव में पार्सल मिलता है जॉय का स्केच, और वहां पर उसे एक लेटर मिलता है कि कैप्टन मर चुके हैं। सब लोग सोचते हैं कि अब जॉय भी मर चुका होगा, क्योंकि कैप्टन अपने आखिरी टाइम पे जॉय की ही सवारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ एल्बर्ट को विश्वास है कि जॉय जिंदा है और वो उसे ढूंढ लेगा। अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जर्मन कैंप में फ्रंट लेन पे जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, और वो दोनों भाई में से एक भाई को भी जानने को बोला जाता है, और एक भाई को घोड़ों के साथ रुकना था। वहां पर वो घोड़ों को बाद में लेके जाएगा जब उनकी जरूरत होगी। और इनमें से छोटा भाई जा रहा था और बड़ा भाई वहीं रुक रहा था। बड़ा भाई चाहता था कि वो दोनों साथ में रुकें, इसलिए वो उसे रोकता है, पर छोटा भाई नहीं मानता और निकल जाता है। उसने वही कपड़ा अपने बैग पे बांध रखा था जो कि जो के बंधा हुआ था। अब सारे सैनिक पैदल ही फ्रंट लेन की तरफ जा रहे थे। आधे रास्ते में पीछे से बड़ा भाई जो को और काले घोड़े को जो कि जो का दोस्त था उसे लेकर वहां आता है, और कपड़े की मदद से अपने भाई को पहचान कर लाइन से जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो विंडमिल के अंदर जाकर छुप जाते हैं और वो कपड़ा फिर से जॉय को बांध देते हैं। छोटा भाई अपनी नाराजगी जाहिर करता है। वो जाना चाहता था, वो प्राउड था कि वो वॉर में अपने देश के लिए लड़ रहा है। उसके पेरेंट्स भी उस पे प्राउड थे, पर उसके बड़े भाई को लगता है कि वो भी छोटा है और वो दोनों साथ में ही रहें, इसलिए अब वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन जर्मन्स को कहीं से इस बात की खबर लग जाती है। वो उन्हें लेने वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उन्हें जिंदा नहीं ले जाना चाहते थे। वो उन दोनों को वहीं मार देते हैं। खुशकिस्मती से वो दोनों घोड़ों को नहीं देख पाते, तो वो वहीं पर जिंदा रह जाते हैं। अगली सुबह लड़की आती है जो कि उस विंडमिल की मालकिन थी। वो वहां पर अपने दादाजी के साथ रहती थी और उसके पेरेंट्स मर चुके थे। वो अपने दादाजी को बताती है कि वहां पर दो घोड़े हैं। वो दोनों ही नहीं जानते कि ये घोड़े कहां से आए। अब एमिली डिसाइड करती है कि जब तक उसके मालिक नहीं मिल जाते वो इन घोड़ों का देखभाल करेगी। अचानक से वहां पर जर्मन्स आते हैं और वहां पर एमिली के दादाजी घोड़ों को छुपाने के लिए कहते हैं, और वो वहां पर उनके खेतों में से, घर में से खाने लायक या लूटने लायक जो भी सामान मिल रहा था उसे अपने साथ रख लेते हैं। एमिली ने दोनों घोड़ों को बेडरूम में छुपाया था, इसलिए वो उन्हें नहीं देख पाते और वापस आने की धमकी देकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन एमिली का बर्थडे था। उसके दादाजी उसे घोड़ों पर राइड करने वाली कैरेज गिफ्ट में देते हैं। वो कैरेज उसकी मम्मी की थी। उसके बाद वो खुश हो जाती है और राइड के लिए निकल पड़ती है। वो जिस दिन से घोड़े मिले थे उस दिन से राइड करना चाहती थी। एमिली को गए कुछ मिनट हो गए थे और वो वापस नहीं आई थी, इसलिए उसके दादाजी को एमिली की फिक्र हो रही थी। वो उसे देखने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि एमिली को और दोनों घोड़ों को जर्मन्स ने पकड़ लिया है। दादाजी एमिली को तो छुड़ा लेते हैं, पर वो घोड़े ले जाते हैं और अब वो इनसे बड़े बड़े हथियार खिंचवाएंगे। बट उनके पास इनफ घोड़े हैं, इसलिए उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता। अब वहां पे आधे रास्ते में जाकर एक घोड़ा अपना दम तोड़ देता है। जर्मन काले घोड़े को जो कि जॉय का दोस्त है उसे वहां लगाने की बातें कर रहे थे, पर वो बहुत ही नाजुक है। वो सिर्फ दौड़ने के लिए बना है और वो इसे नहीं खींच पाएगा, इसलिए जॉय भाग कर आता है और वहां खड़ा हो जाता है। जॉय आकर खड़ा हो गया था, इसलिए वो उसे ही उससे बांध देते हैं। यहाँ पर जॉय अपनी दोस्ती साबित करता है। अब जैसे तैसे करके वो दूर तक उसे खींचता है, पर अब जॉय की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब वो हथियार मंजिल तक पहुंच चुके थे और शुक्र है उसका काम खत्म था। वहां शुरू होता है असली युद्ध का भयानक मंजर। जर्मन भयानक आर्टिलरी फायर करना स्टार्ट करते हैं और आगे रशियन और ब्रिटिश सैनिक थे, जिनमें से एल्बर्ट भी था, यानी कि अब वो युद्ध में भर्ती हो चुका है। युद्ध शुरू हुए 4 साल हो गए हैं। अब ये साल है 1918 का। जाहिर सी बात है कि वो जॉय को ढूंढने ही यहाँ पर आया है और वर्ल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर है। अब एल्बर्ट राइफल लेकर आगे बढ़ रहा है। उसके गांव के एक लड़के को गोली लगती है तो वो उसे साइड में रखता है, और वहां पर वो दुश्मन नहीं देख पा रहा था लेकिन वो दुश्मन की गोलियों को ही देख पा रहा था, और वो बड़ी ही बहादुरी से आगे बढ़ता है और उस गनमैन को मार देता है जो कि लगातार उन पर फायरिंग कर रहा था। उसे खत्म करके वो जर्मन ट्रेंच में पहुंचता है और वहां देखता है कि लगभग सारे जर्मन जहरीली गैस की वजह से मारे जा चुके हैं, और वहां पर उनकी जीत की खुशी वो मनाता या फिर दुख, ये वो समझ नहीं पाता।
तभी एक ओर से गैस आती है और हर तरफ से जहरीली गैस उसकी तरफ आती है। अब यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जोए का दोस्त जो कि वो काला घोड़ा था, वो मीलों का सफर तय करने की वजह से अब थक गया है और वो अपना दम वहीं तोड़ देता है। अब जोए यहाँ अकेला है युद्ध भूमि पे, जहाँ जोए को अकेला छोड़कर जर्मन्स भाग चुके हैं। जोए का सामना ब्रिटिश टैंक से होता है, जिससे वो जैसे तैसे करके बचता है और उससे वो डर कर इधर उधर भागने लगता है। बॉम्ब के धमाकों पर धमाके हो रहे थे और वो बस भागे जा रहा था। भागते भागते वो नुकीली कटीली तारों पे उलझ जाता है, पर वो रुकने का नाम नहीं लेता और बहुत सी तारों में उलझ कर वो नीचे गिर जाता है। दोनों तरफ से सैनिक जोए को देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि ये घोड़ा इतनी बमबारी के बीच में भी जिंदा कैसे है। वो उसे बुलाने की कोशिश करते हैं और वो समझ जाते हैं कि इन तारों में फंसा हुआ है। तभी एक ब्रिटिश सैनिक बड़ी हिम्मत दिखाता है और उस घोड़े को बचाने के लिए एक सफ़ेद झंडा लेकर आता है, और तभी वहां पर एक जर्मन सैनिक भी आता है और वो दोनों मिलकर उस घोड़े को उन तारों से हटा देते हैं। अब दोनों मिलकर जोए को फ्री कर चुके थे, पर वो दोनों में झगड़ा हो जाता है कि ये घोड़ा मेरा है, नहीं ये घोड़ा मेरा है। अब दोनों लड़ रहे थे तो वो कॉइन टॉस करके फैसला करने की बात करते हैं। कॉइन टॉस होता है और घोड़ा जाता है ब्रिटिश के पास। दोनों फैसले का सम्मान करते हैं और अपने अपने ट्रेंच में वापस आ जाते हैं। एल्बर्ट की आंखों में जहरीली गैस की वजह से नुकसान हुआ था और वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास आया था, और जोए को भी उसी डॉक्टर के पास लाया गया था। जोए के लाइलाज जख्मों को देखकर डॉक्टर उसे मारने के ऑर्डर्स देता है, और जैसे ही वो जोए को मारने वाले थे तभी एल्बर्ट सीटी बजाता है। एल्बर्ट की सीटी सुनकर जोए उसकी तरफ देखता है, फिर एल्बर्ट दोबारा सीटी बजाता है और जैसे कि उसने जोए को सिखा रखा था, जोए सीटी की आवाज़ सुनकर एल्बर्ट के पास आ जाता है। वो उससे पास जाता है, एल्बर्ट उसे देख नहीं पाता, पर उसकी सीटी ने इन दोनों को मिलवा दिया था और यहाँ एल्बर्ट ने अपना वादा पूरा किया था। एल्बर्ट उनको बताता है कि ये मेरा घोड़ा है। इस बात पे जोए को मारने के ऑर्डर्स वापस लिए जाते हैं और उसका इलाज भी किया जाता है। फिर वॉर ख़त्म हो जाती है और फैसला किया जाता है कि सिर्फ ऑफिसर्स के घोड़ों को रखा जाएगा और बाकी सभी घोड़ों को नीलाम कर देंगे, जोए को भी। और तब वहाँ पर एल्बर्ट जोए को नीलाम ना करने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो लोग नहीं मानते। फिर उसके बाद भारी मन से वो जोए को नीलामी के लिए ले जा रहा होता है, पर जाते समय आर्मी के सभी उसके जो दोस्त थे वो मिलकर उसे 29 पाउंड्स देते हैं, जो कि नीलामी के वक्त जोए को वो खरीद पाएगा। एल्बर्ट उनका शुक्रिया अदा करता है और ऑक्शन के लिए जोए को ले जाता है। वहाँ पर जोए की बोली शुरू होती है 4 पाउंड से। अचानक से वहाँ एमिली के दादाजी आ जाते हैं, जो कि 100 पाउंड में जोए को खरीद लेते हैं। एल्बर्ट कुछ नहीं कर पाता। एल्बर्ट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे मेरा घोड़ा दे दो, पर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये घोड़ा मेरी पोती का है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं इसे ले जा रहा हूँ। लेकिन जोए एमिली के दादाजी का हाथ छुड़ाकर एल्बर्ट के पास वापस आता है। एल्बर्ट उसे वापस करने जाता है, तब वो जेब से कपड़ा निकाल कर उसे देते हैं। एल्बर्ट कहता है कि ये कपड़ा मेरे पापा का है। उसके बाद दादाजी कहते हैं कि एमिली की लास्ट इच्छा यही थी कि जोए उसके मालिक के पास वापस जाए। एमिली के दादाजी की आंखों में खुशी और गम के आंसू थे, और फिर वो एल्बर्ट को और जोए को अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। एल्बर्ट और जोए गांव के लिए वापस निकल जाते हैं और अपने बेटे और घोड़े को सही सलामत देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरह ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।